स्टूडेंट्स वेलकम बैक। चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। मैग्नेट्स मीन्स चुंबक, फन मीन्स आनंद। चुंबक के साथ एंजॉय जो लिया जाता है, आप चुंबक के साथ खेलते हैं, वो उसी प्रकार से है फन विद मैग्नेट्स। इन दिस चैप्टर पहेली एंड पूजो वेंट टू ए प्लेस वेयर ए लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज फिल्ड इन टू रूज हीप्स। समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग। अ ट्रेन वाज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड ए ब्लॉक ओवर ए हीप। इट देन बिगेन टू मूव। गेस व्हाट। मैनी पीसेज ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। इस चैप्टर में पहेली और बूझो एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर बहुत अधिक एक मतलब जो है बहुत ढेर लगा हुआ है वेस्ट मटेरियल का, और वहाँ पर एक क्रेन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एक क्रेन है ये, और इस क्रेन में यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक लटक रही है इसमें स्ट्रिंग में स्ट्रिंग है, इसमें ये क्या है चुंबक। तो जब चुंबक को नीचे लाते हैं, ठीक है, क्रेन के द्वारा इसके यहाँ पर ये ड्राइविंग कर रहा है, तो ये जब नीचे आता है इस गार्बेज में, यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है, तो जो भी आयरन मेटल है वो सब इसमें स्टिंग हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। और फिर ये ऊपर ले जाते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैग्नेट के द्वारा ये जो वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल में से उसको अलग कर लेते हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो चुंबक होती है उस चुंबक को आपने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये पिन होल्डर है और ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है और ये रेफ्रिजरेटर है। तो आप इन सब में ये अनुभव करेंगे, जैसे आप इस डोर को खोलते हैं और यहाँ पर लाकर के धीरे से छोड़ते हैं तो ये तुरंत बहुत तेजी के साथ आपस में चिपक जाता है, ठीक है। तो क्यों चिपक जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये आयरन लगा हुआ है और इधर ये इसमें चुंबक है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये पिन होल्डर्स को देख रहे हैं, इस पिन होल्डर में ये बीच में मैग्नेट है, तो इस पर जो है ये आलपिन स्टिकिंग हुई देख रहे हैं आप, इस पर ये लगी हुई है आलपिन। और इसी प्रकार से ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ये जो है यहाँ पर क्या है चुंबक लगी हुई है। जब इसको आप यहाँ तक लाते हैं तो ये तुरंत आपस में ज्वाइन हो जाता है, मतलब ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चुंबक के कार्य क्या है, चुंबक किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोग होती है। अब ये इतनी अच्छी चीज है, बहुत सारे कामों में ये हमारे काम आती है, बहुत सारे जो आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज है उन सब में इसका अधिक से अधिक उपयोग होता है। टीवी है ना, लाउड स्पीकर है, और सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में अधिकतर मैग्नेट का यूज होता है, ठीक है। तो अब हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, इस मैग्नेट की खोज कैसे हुई, तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक स्टेफर्ड है जिसका नाम मैग्नीज है, और वो प्राचीन ग्रीस में रहता था, और उसके पास बहुत सारी भेड़ थी। भेड़ों को वो चराने के लिए प्रतिदिन एक माउंटेन था, तो उस माउंटेन के पास में वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता था। उसके पास एक स्टिक थी और स्टिक के एक सिरे पर उसके आयरन लगी हुई थी, ठीक है। और तो एक दिन उसने क्या देखा कि जब वो भेड़ों को चरा रहा था और उसकी जो स्टिक थी वो नीचे रॉक पर लगी, और उसको लगा जब वहां से उठा रहा था उस स्टिक को, तो उसने कुछ उसको
खींचा, लेकिन उसमें उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ा। उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद में जब वो देखता है माउंटेन साइड में, जहां पर वो माउंटेन था, तो वहां पर जो रॉक थी, उस रॉक में क्या था, एक नेचुरल मैग्नेट थी। तो उस नेचुरल मैग्नेट के कारण से, क्योंकि ये जो डिस्कवरी एक प्रकार से मैग्नेट्स के द्वारा हुई थी, तो उसका नाम मैग्नेट रखा गया, ठीक है। और उसको जो वहां पर रॉक है, उस रॉक का नाम जो है मैग्नेटाइट, मतलब नेचुरल मैग्नेट है, उसका नाम है मैग्नेटाइट, क्योंकि मैग्नेट्स के द्वारा उसकी खोज हुई, इसलिए उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। तो मैग्नेटाइट इज द नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट में आयरन होता है, जो मैग्नेटाइट मतलब जो रॉक है, उस रॉक में आयरन होता है। और सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया, ठीक है। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। तो जिन सब्सटेंस में आयरन को अट्रैक्ट करने की, मतलब आकर्षित करने की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, उसको मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। अब हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे जैसे कहते हैं कि इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन, they also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named as naturally occurring materials magnets. Later on, the process of making magnets from pieces of iron. Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. These are known as artificial magnets. ठीक है? अब जो ये जो छोटे छोटे आयरन पीस है, मतलब आयरन पीस से हम मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो जो हमारे द्वारा मैग्नेट्स बनाई जाती है, या एक मनुष्य के द्वारा जो मैग्नेट्स बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो इस मैग्नेट्स को बनाने के लिए एक आगे एक्टिविटी भी दिखाई गई है। तो अब हम इस मैग्नेट्स के कुछ करैक्टरिस्टिक्स के विषय में पढ़ेंगे। जैसे इस एक्टिविटी फर्स्ट में हम देखते हैं, एक ये स्टैंड है, स्टैंड में ये एक क्लिप लगा हुआ है, और इसमें ये जो है एक पेपर और प्लास्टिक, ठीक है, ये कप टाइप का बना हुआ है, ग्लास टाइप का, और इसके अंदर एक मैग्नेट को रख दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेट को रख दिया गया है, और ऊपर से इसको कवर्ड कर दिया गया है, ढक दिया गया है, ठीक है। और ये जो स्टैंड है, स्टैंड का जो ये बेस है, इस बेस में एक थ्रेड को बांध देते हैं यहाँ पर टाइट करके, और दूसरा इसका जो सिरा है, इस सिरे में एक आयरन की क्लिप को बांध देते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, ये क्लिप यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, इस जो थ्रेड का वन एंड है वो बेस में बंधा हुआ है, और दूसरा जो है इस आयरन क्लिप में, ठीक है। और वो यहाँ पर इस प्रकार से, आप जानते हैं थ्रेड कैसा होता है, तो थ्रेड यहाँ पर रखा हुआ है, क्लिप इसमें पड़ी बंधी हुई है। तो जब हम इस क्लिप को नीचे लाते हैं ऐसे करके, ठीक है, स्टैंड का एक जो क्लिप है इसको ढीला करके नीचे लाते हैं, तो जब ये थोड़ा इसके पास में आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आयरन क्लिप है ये तुरंत इस जो हमारा एक ग्लास है, पेपर ग्लास और प्लास्टिक ग्लास, इस पर जो है ये अट्रैक्ट होता है इधर को, जैसे काइट होती है, काइट की तरह से ये ऊपर को
किस प्रकार से चल जाती है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है क्या है, एक चुंबक है, ठीक है, और यहाँ पर ये आयरन क्लिप है, तो ये आयरन क्लिप इस चुंबक से अट्रैक्ट होकर के ऊपर को चली जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो आयरन है वो चुंबक की ओर को अट्रैक्ट होता है, ठीक है। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के ये क्लिप जो है एयर में ऊपर काइट की तरह से उड़ती है, मतलब ऊपर उठती है और इसके कॉन्टेक्ट में आ जाती है जहां पर ये चुंबक है, ठीक। ओके, नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो हम जानते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकिल और कोबाल्ट। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए नॉन मैग सॉरी टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। जैसे निकिल है, आयरन है और कोबाल्ट, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है। मींस ये जो मटेरियल्स हैं ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जो मटेरियल्स मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, वुड है, सॉइल है, ये सारी चीजें क्या हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को हम फिल कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, क्लॉथ, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेज स्टिक मैग्नेट, यस और नो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आयरन बॉल है, तो आयरन बॉल एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, क्लॉथ, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर। इसका मतलब क्या है, जो आयरन है तो ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा या नहीं, होगा तो यस लिखें और नहीं होगा तो नो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यस हुआ, मतलब आयरन बॉल जो है काहे की बनी हुई है, आयरन की, तो ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा, तो इस यहां पर हम लिखेंगे यस। ऐसे हम देखते हैं स्केल, स्केल काहे का बना हुआ, प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होती है, नो। इसी प्रकार से शू लेदर का बना हुआ है, तो ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा, नो, ठीक है। इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे वुड स्केल हो सकता है ना, से यहाँ पर स्केल लिखा, यहाँ पर वुड लिख दिया। ऐसे ही क्लॉथ, जैसे शर्ट है, शर्ट क्लॉथ है, और इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इस टेबल को फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं और जो नहीं होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो मटेरियल्स मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ओके, एक्टिविटी थ्री, इसमें हम देखते हैं कि जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट को
सैंड या सॉइल में हम उसको रगड़ते हैं और देखते हैं, बाहर निकालते हैं जब उसको रगड़ करके, तो उस जो मैग्नेट है हमारी, उस मैग्नेट पर सैंड के और उस सॉइल के जो है पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, ठीक है। अब हम उसको धीरे से झाड़ते हैं और उसके बाद भी देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स उस मैग्नेट पर लगे रह जाते हैं, ठीक है। तो दिस माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, आयरन फिलिंग्स पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या होते हैं, ये जो आयरन के छोटे छोटे पीस होते हैं वो उस मैग्नेट से चिपके रह जाते हैं। अब हम ये देखते होंगे कि आपने भी देखा होगा, जब आप स्कूल से घर, घर से स्कूल जाते हैं, तो रास्ते में कुछ लेडीज है ना, एक हाथ में स्टिक सी लिए रहती हैं और वो नीचे उसको मिट्टी में रगड़ती चलती हैं और बाद में उसको झाड़ लेती हैं। तो आप देखते होंगे कि क्या करती हैं महिलाएं, तो वो क्या करती हैं, वो जहां पर ये आयरन का वर्क होता है ना, ऐसी जगह जहां पर आयरन की शॉप है, तो वहां पर छोटे पार्ट्स जो हैं वहां पर पड़े रह जाते हैं, तो वो महिलाएं वहां पर जाती हैं और उस जो अपनी छड़ है उस छड़ पर जो है चुंबक बांधे रहती हैं, ठीक है, उसमें चुंबक होती है, तो चुंबक से वो अट्रैक्ट होते हैं आयरन पीस और वो उसको कलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चुंबक है वो उस जगह से आयरन पीस को कलेक्ट करने के काम आती है। यहां पर ये चुंबक देख रहे हैं आप। अब इस चुंबक में एक विशेष बात क्या देख रहे हैं आप, कि ये जो दोनों तरफ पोल है, ये दोनों साइड जो है इसका वन एंड एंड सेकेंड एंड, तो ये जो है इसके पोल कहलाते हैं, ठीक है। और इस पोल पर ही ये आयरन जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो स्टिकिंग है, मतलब चिपके हुए हैं। अब बीच में देखें तो बीच में आयरन फिलिंग्स जो है बहुत कम है, मतलब है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मैग्नेट है, इस प्रकार की मैग्नेट जो है क्या कहलाती है, ये वार मैग्नेट, मतलब दंड चुंबक। तो इसके दोनों ये एंड हैं, इन एंड पर ही ये आयरन फिलिंग्स चिपकी हुई हैं, आयरन पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, तो इनसे पता लगता है कि ये इसके पोल हैं, ठीक है। तो पोल ऑफ द मैग्नेट। एक्टिविटी फोर, एक्टिविटी फोर में आप ये फिगर देख रहे होंगे, इसमें क्या है, एक बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, और एक पेपर लेते हैं और उस पेपर पर ये आयरन फिलिंग्स, आयरन मटेरियल्स है वो इस पर बिखेर देते हैं पेपर पर, और एक बार मैग्नेट लाते हैं, बार मैग्नेट को उसके पास में लाते हैं, पेपर पे रखते हैं। तो क्या देखते हैं हम कि उसके जो ये दोनों एंड हैं उस एंड पर ये आयरन फिलिंग्स बहुत अधिक मात्रा में चिपक गई है, ठीक है, मतलब इसके दोनों एंड जो हैं उन एंड पर ये आयरन फिलिंग्स अधिक मात्रा में चिपकी हुई है। और इसको हम फिर छुटा करके फिर दोबारा से अगर इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, इसकी जगह हम आयरन नेल्स या ऑल ऑल पिंस जो होती है उनको भी ले सकते हैं और उसके द्वारा भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो देखते हैं कि उस मैग्नेट का जो ये पूरी मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट के सभी पार्ट पर ये एक समान रूप से आयरन फिलिंग्स नहीं है, जो दोनों एंड हैं उन एंड्स पर ये आयरन फिलिंग्स अधिक, बहुत अधिक मात्रा में है और बीच में इसकी मात्रा नगण्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आयरन है, ये आयरन मैग्नेट्स के दोनों एंड की ओर अधिक मात्रा में चिपकता है, ठीक है। तो ये जो दोनों एंड हैं इसके, ये क्या कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। अब विभिन्न प्रकार की मैग्नेट्स हैं, उन मैग्नेट्स के नाम उसकी जो शेप है उसके आधार पर रखे गए हैं और उनमें भी पोल होते हैं, उनके द्वारा भी हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और पोल उसमें फाइंड कर सकते हैं कि पोल कहाँ पर है, ठीक है।
अगर हम इसमें देखें तो 13.4 ये फिगर है, 13.4 ये इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का नाम है बार मैग्नेट, ठीक है, और ये दूसरी मैग्नेट है, ये कैसी है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो इसमें भी ये और ये यहाँ पर पोल्स हैं, और ये बार मैग्नेट है तो इसमें ये और यहाँ पर ये दूसरा पोल है। इसी प्रकार से हॉर्सशू मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, तो इस हॉर्सशू मैग्नेट में भी ये पोल्स हैं। अगर आप इसके द्वारा उसी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो इन दोनों एंड्स पर ही अधिक मात्रा में अट्रैक्ट होती हैं, और ये बॉल एंडेड मैग्नेट है, बॉल एंडेड मैग्नेट, दोनों तरफ बॉल सी बनी हुई है। तो इन दोनों जो ये एंड हैं यही इसके पोल्स हैं, तो इस पर जो है अधिक मात्रा में आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होती हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की जो ये मैग्नेट्स हैं इनके नाम जान चुके हैं, और आगे हम इसके विषय में पढ़ेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। ओके,